बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सरवत किचन में आप सब की दावत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड क्रंच स्नैक्स, तो चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्रेड क्रंच स्नैक्स बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप छिलके वाली मूंग की दाल, जिसे मैंने 4 से 5 घंटा पहले अच्छे से धोकर सोख होने के लिए रख दिया था। ब्रेड, 2 हरी मिर्च, नमक, हींग और तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सबसे पहले हम लेंगे एक ग्राइंडर जार, इसमें हम डालेंगे ये दाल। हरी मिर्च, नमक, हींग पाउडर, थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस इतना सा। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, दाल का बैटर हमारा तैयार है इस तरह से। और यहाँ पे मैंने लिया ब्रेड के कुछ स्लाइसेस और इसे हम बीच से इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं। अब इस तरह से हम एक एक स्लाइसेस हाथ में लेते जाएंगे और इसके ऊपर ये दाल का बैटर लगाते जाएंगे। अच्छे से लगाएंगे इसे। ये देखिए, इस तरह से सिर्फ एक साइड ही लगाना है हमें। इसी तरह से दूसरा लेंगे, इसके ऊपर भी हम दाल को उसी तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए, ये जो दाल का बैटर था, ये मैंने ब्रेड के एक साइड में इस तरह से सारे स्लाइसेस पे लगा दिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब हम लेंगे एक फ्राई पैन, इसमें हम डालेंगे तेल। तो ये देखिए, तेल अब हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह से हम थोड़ा सा बैटर इसमें डालकर देखेंगे, इससे भी पता चल जाएगा कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इसका फ्लेम हम थोड़ा लो कर देंगे। तो अब हम एक एक करके ये ब्रेड स्लाइस तेल में डालेंगे और ये पार्ट हम नीचे रखेंगे पहले। फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, तो जितना टाइम लगेगा इसके नीचे साइड में ही लगेगा इसको फ्राई होने में। सिम पे करेंगे ताकि ये दाल अच्छे से कुक हो सके, उसका कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब इसे हम पलट लेंगे इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हुआ है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ब्राउन। तो इसे अब हम साइड में लगाते जाएंगे।
ब्रेड है, ब्रेड को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। अब एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर इस तरह से रखा है, आप किचन टॉवल भी रख सकते हैं, और इसके ऊपर हम ब्रेड को इस तरह से निकालते जाएंगे एक एक करके। तो लीजिए, तैयार है हमारा क्रंची मरंची ब्रेड क्रंच स्नैक्स। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।